सिविल मामलों में एफआईआर हो सकती है? चलिए आज के एपिसोड में हम जानेंगे क्या सिविल मामलों में हम एफआईआर कर सकते हैं। नमस्कार सर, आपके चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू। तो मैं आज रिप्रेजेंट करूंगी आपके सारे स्टूडेंट्स को। आज का सवाल तो क्लियर ही है हमारे पास में कि सर क्या सिविल केस में एफआईआर हो सकती है? देखिए, इस क्वेश्चन का सीधा सा जो आंसर है जो लोगों को लगता है वो है नहीं। सिविल मैटर क्या है इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है सीपीसी के सेक्शन 9 से, और सिविल मैटर में सिविल सूट फाइल होता है बाय द वे ऑफ प्लेंट, जैसा कि आपने शायद सीपीसी में पढ़ा होगा। लेकिन लॉ की जब हम बात करते हैं, लाइक दिस यूनिवर्स, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो वन लाइनर है। हर एक नियम के एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन के प्रोविजोस होते हैं, और प्रोविजोस के फर्दर प्रोविजोस होते हैं। तो सिविल नेचर के जो मैटर होते हैं उसमें जनरली क्रिमिनल केस नहीं चलता है, क्रिमिनल कोर्ट में मामला नहीं चलता है, एफआईआर तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जिसको रेमेडी चाहिए वो एक सिविल सूट फाइल करेगा, यही हम सबके पास जानकारी है। लेकिन इसका एक्सेप्शन मिलेगा आपको सेक्शन 491 आईपीसी में। जब हम आईपीसी के सेक्शन 491 में जाते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो डिसेबल्ड है और उसने किसी और को अपनी हेल्प के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन में उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, मतलब समझ लें किसी को एक हायर कर रखा है नर्स को कि वो डिसेबल्ड पर्सन की देखरेख करेगी, और वो नर्स मेल या फीमेल व्हाटएवर वो किसी दिन नहीं आता है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपनी सर्विसेज नहीं देता है, तो एक्चुअली है तो ये सिविल मैटर। लेकिन आईपीसी कहती है कि इस मामले में क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल है सीधे कंप्लेंट हो सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में और 3 महीने का इंप्रिजनमेंट हो सकता है। ठीक वैसे ही एक मैटर आता है चेक डिसऑनर का। जब हम चेक डिसऑनर की बात करते हैं तो ये एक सिविल ट्रांजैक्शन है, एक आदमी से आपने कुछ परचेस किया और या सेवाएं ली, सर्विसेज ली, और बदले में आपने उसको पेमेंट किया बाय वे ऑफ चेक। चेक डिसऑनर हो गया तो है तो सिविल मैटर, लेकिन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये कहता है कि सीधे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में ये मैटर जा सकता है और 2 साल तक की सजा हो सकती है। एक ऐसा ही मैटर है डिफेमेशन का, सेक्शन 499 आईपीसी में इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन मिलती है और पनिशमेंट के क्लॉज है 500, 501, 502 में। डिफेमेशन अपने आप में सिविल मैटर है कि किसी ने किसी के बारे में कुछ कहा या कुछ लिखा है, लेकिन आईपीसी इसे पनिशेबल बनाती है। तो इन जनरल क्वेश्चन का आंसर यह है कि सिविल मैटर्स में एफआईआर नहीं हो सकता, लेकिन क्रिमिनल केसेस फाइल हो सकते हैं बाय वे ऑफ कंप्लेंट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी। तो हमने ये जाना कि भाई सिविल मैटर्स में तो एफआईआर नहीं हो सकती है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग जरूर चल सकती है। इसके 3 exceptions हमारी नजर में आते हैं, वो है 491 ऑफ इंडियन पीनल कोड, 499 ऑफ इंडियन पीनल कोड एंड 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सर सही कह रहे हैं? करेक्ट, सही समझे हैं आप एकदम। तो आज का लेक्चर तो हमारा सफल रहा। अगले वीडियो में हम जानते हैं कि एक स्टूडेंट का यानी कि एक विद्यार्थी का सही एटीट्यूड क्या होना चाहिए। तब तक के लिए इजाजत दें, नमस्कार।